आ गया हो गया ना, आ गया। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलो रेडी, तीत सो हेलो गाइस, दिस इज अ बॉय प्रीतम एंड वाचिंग प्रीतम सन ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, जहां भी हो गए ताबड़तन मस्ती करेंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह सुबह मैं जस्ट स्टेशन करके आया, आके देखा कि HDFC बैंक की तरफ से कुछ एक कार्ड आया हुआ है, देखता हूँ वो कार्ड क्या है। चलिए, ये है पार्सल। और सुबह सुबह मैं जेम्स का वीडियो देख रहा था, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है यहाँ पे, वो डांस कर रहा था। तो देखते हैं ये क्या चीज है, एक्चुअली आया है सुबह सुबह, खोल के देखते हैं क्या है, मुझे भी पता नहीं है भाई है क्या चीज ये। ओ भाई इतना सील है, यस फट गया, फट गया। अब खोल के देखते हैं क्या है। एक्चुअली अभी मैं कहीं निकलने वाला हूँ, अब टाइम देख सकते हैं अबाउट 9 बजने वाले हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा। निकलने कहाँ वाला हूँ बताता हूँ। अरे यार ये सब क्या है, फिर से ATM कार्ड है क्या? ओ माई गॉड, माई न्यू क्रेडिट कार्ड, शेट, और अपग्रेड होके आ गया। ओ भाई साहब मिलीनियम मिल गया, मिलीनियम। मिलीनियम का तो लिमिट बहुत ज्यादा होगा एक्चुअली। कितना लिमिट है? 3,60,000 लिमिट। तो फाइनली मेरे पास रेगेलिया था, अब मुझे मिलीनिया कार्ड मिल चुका है। थैंक यू HDFC बैंक। ओ भाई साहब हल्ला क्यों तुम है, क्यों ना हल्ला करते हैं? तीत लुक, शो मी योर तीत, तीत बाबू, शो मी योर टीथ, टीथ। गाइस अभी मैं हूँ ठीक दामबुक बमजीर के बीच। सुबह सुबह धूप भी काफी अच्छा दे रहा है आज। अब मैं जा रहा हूँ चौकाम की और अजमेर के घर में। एक्चुअली मेरा GoPro ट्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे GoPro 9 से शूट करना पड़ेगा, तो कैमरा लेने वापस जा रहा हूँ। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्यूज बहुत कम आता है मेरा, जानते हो मेरा बहुत ड्रीम है एक्चुअली। और मैं जानता हूँ ये सब चीज़ आप फैमिली के बदलौती कुछ हो सकता है। वैसे तो मैं अपने इनकम से, जो भी मैं ट्यूशन से कमाता हूँ, जो भी करता हूँ, उससे काफ़ी चीज़ करता हूँ, लेकिन भी एक मिडिल क्लास बॉय के लिए कुछ बड़ा अचीव करने के लिए नहीं हो पाता है, राइट? तो मेरा एक सपना है, मतलब पहला सपना है कि मुझे BMW का एक 310RR बाइक लेना है, तो वो मैं फुल्ली YouTube इनकम से लेना चाहता हूँ। तो बस सपोर्ट चाहिए यार, अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लाके दिखाऊंगा आपको, अच्छे से करके दिखाऊंगा, बस सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा दिल की बात था बोल दिया आप लोग से, अभी चलते हैं अजमेर के घर सीधा। चलिए से आए, अभी यहाँ से आके यहाँ से और यहाँ चौकम जाएंगे सर। अब चौकम देख सकते हैं, ओनली 12 किलोमीटर है, सीधा जाना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली गुना नगर पहुँच गया, और इधर मेरा बाइक का साइलेंसर निकल गया यहाँ से आते आते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यहाँ अपना अजमेर भाई पूरा हीरो बन के बैठा हुआ है, देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अजमिन भाई वेल नोन पर्सन है, पहचानते होगा अभी इनको। हमें नहीं, कैसे नहीं पहचानेंगे लोग। और इधर अपना अभी है, इनका काम हो गया जो हम काम करने आए थे, अभी निकलते हैं। तो डू विजिट अजमिन का शॉप, देख सकते हो यहाँ पे, ये है गुना नगर। और बोलिए कुछ, आया और निकल जा रहा, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं, हम लोग एक हम नहीं मतलब मैं सोच के रखा था एक वीडियो बनाने के लिए दोनों के लिए, पर ये बंदा अभी आया और जाया, आया राम गया राम कर रहा है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा क्या वीडियो बनाना है।
पर मैं बहुत अच्छा प्लानिंग बना रहा था, ये जा रहा है तो मैं अकेला बनाऊंगा। एक्चुअली आके सच में हम भी थोड़ा बैठे का सोचा था, लेकिन जैसे हम डम्बुक से निकला वहाँ सा फोन आया कि मुझे जल्दी फिर क्लास अटेंड करना है, इस कारण से थोड़ा लग गया। अभी जल्दी से जल्दी भाग के फिर जाना पड़ेगा, फिर रोइंग में भी पापा का सामान आया उसको भी लेके जाना पड़ेगा, और कल हम लोग जा रहे थे क्या उसका पार्टी होगा आके नहीं नया, मतलब वो प्लान बहुत दिन से था, पहले ब्लॉग में भी बोला कि 7 साल से प्लान था, बाकी देखते क्या होता है। और बाकी थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो मेरा व्यूअर्स, वीडियो देखते नहीं हो तुम लोग। चलो मिलते हैं फिर, चलते हैं भाई, टेक केयर। अभी अभी चलते हैं जल्दी से जल्दी, बहुत लेट हो गया है। हाँ ये कर लो पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग की मैं शुरुआत अब नए आईफोन से कर रहा हूँ भाई, आईफोन 13 प्रो भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ये जो आईफोन है ये रूपम भाई का, कुछ भी क्या प्रीतम भाई का, इसका हमेशा क्यों नाम भूल जाता हूँ। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई इसको भाई इसे क्या बोलते हैं, बैक साइड से वीडियो बनाना नहीं आता, तो मैं इसको थोड़ा सा तरीका सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ऐसे करके देखो। ओके, अभी समझ में आ गया, लेकिन मेरा वीडियो में माथा कट जाता है जब ऐसे करते हैं। नहीं कटेगा भाई, जब देखो जब भी ऐसे करेगा तो वाइड एंगल, ठीक है, ये वाइड एंगल हो गया, उसके बाद ऐसे घुमाया तो अगर तुमको चेहरा लेना तो थोड़ा सा जूम करो तो आदमी का, तुम इधर वाला तो तुम एडजस्ट कर सकते, अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे ये तरह मेरा कट रहा है, नहीं पूरा आ रहा है। हाँ तो भाई सही है भाई, वाइड एंगल में हमेशा अपने शूट करो, उसके बाद जब इधर घुमाना तो ऐसे करो, जो हिसाब से चाहिए बस ऐसे, बहुत इजी है भाई। किसी के पास 13 प्रो का नसीब नहीं है, और जिसके पास है वो बंदा कर नहीं रहा भाई, क्या बोलूं, बहुत दुख लगता है। हाँ आ गया, हो गया ना, इतनी खुशी मुझे आज तक आ गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चलो रेडी, कोशिश करना, ठीक है। 2 hours later तो गाइस फाइनली डम्बुक पहुंच गया, अभी क्लास करके जस्ट घर पे आया हूँ, आके देखता हूँ यहाँ में मेरा डिकैथलॉन से और यहाँ से मिंत्रा से पार्सल आ गया। ये पार्सल मेरे पापा के लिए, लीजिए ये ठंडा दिन का जैकेट, थैंक यू, पहन के देखिए, हाँ फिट होना चाहिए, एक्सेल लाया मैंने, देखिएगा पहन के। तो ये मैंने मिंत्रा से लिया था, मम्मी और पापा के, मम्मी का अभी तक आया नहीं, और ये डिकैथलॉन से मेरा पार्सल आया, मैंने कुछ ऑर्डर दिया था चीजें, वो सब आया, कि चेक करता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस इसमें आई थिंक हाँ एक शू है और एक रेन कवर का पैंट, एक स्लीपर, 2 ग्लोव्स, ये एक रेन कवर और एक, और ये है स्पून, ये हो गया खाली, ये हो गया स्पून, काटा चम्मच और अच्छा आता है, और ये है रेन कोटी है एक तरह का छोटा सा पैक, ये अपना विंटर ग्लोव्स बाइकिंग के लिए। और मेरा पास ऑलरेडी रेन कवर तो था बड़ा वाला, पर पैंट नहीं था, तो पैंट एक ले लिया, ये काफ़ी लंबा होगा मेरा, बाप रे बाप। और ये है वाटरप्रूफ शूज, ये क्वेचा का है, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा शूज है, ये पानी नहीं घुसता इसमें थोड़ा भी, डिकैथलॉन से लिया मैंने, और इसमें आप ट्रैक कर सकते हो, नीचे का चीज भी बहुत अच्छा है, क्वेचा का है, अबाउट 4000 समथिंग पड़ता है, ये वाटरप्रूफ है कम्प्लीटली। और एक चप्पल मैं क्रॉक्स का खरीदूंगा सोचा था, पर सस्ता में मिल गया, इतना महंगा खरीद के क्या करूंगा, 1399 का, लेकिन वो 799 में मिला ये, क्योंकि मेरे पास चप्पल एकदम नहीं है, सब फट चुके हैं। मैं गरीब हूँ। सो गाइस आज लंच में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई यहाँ पे, ये देखिए दाल, ये एक कैप्सिकम का पकौड़ा, और ये कोकोनट और तिल का पकौड़ा, तो इससे फटाफट खा लेते हैं, फिर ट्यूशन भी चलना है हमको, तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ। और यहाँ पे और एक चीज जो स्पेशल है वो आपको दिखाता हूँ अभी, ये नारियल, टमाटर और अनारस और काजू किशमिश से एक चटनी बना रहे मम्मी, जो कि बहुत खाने में टेस्ट होता है, यहाँ पकौड़ा ही पकौड़ा है, देखिए ये तिल और नारियल से बनाया है, तो बहुत स्वादिष्ट है, अब रहा नहीं जा रहा है, फटाफट खा लेता हूँ।